हे गाइस एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम जानेंगे सारे के सारे व्हाइट रेंजर्स को, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं व्हाइट रेंजर कौन होता है। व्हाइट रेंजर वो रेंजर होता है जो हमें पावर रेंजर सीरीज में व्हाइट कलर की कॉस्ट्यूम में देखने को मिलता है। अगर बात करें व्हाइट रेंजर की तो हमें बोथ फीमेल और मेल रेंजर दोनों ही एज अ व्हाइट रेंजर देखने को मिले हैं। व्हाइट रेंजर में हमने बहुत सारी कैटेगरीज देखी। कभी तो हमें व्हाइट रेंजर टीम का एक कोर मेंबर दिखाया गया है, कभी हमें एक स्पेशल रेंजर की तरह दिखाया गया है, कभी व्हाइट रेंजर को एज सेकेंडरी रेंजर दिखाया गया है, और कई बार इसके क्लोन्स भी हमें देखने को मिले हैं। अगर व्हाइट रेंजर के वेपन की तरफ ध्यान दें तो हमारे जो मेल रेंजर थे उनके पास हमने स्वॉर्ड देखी थी, और फीमेल रेंजर्स के पास कुछ स्पेशल वेपन होते थे और ये थोड़े डिफरेंट होते थे पिंक रेंजर के कंपेयर में। इसी के साथ जो नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि हमारे जो शुरुआती दो व्हाइट रेंजर थे वो टीम के लीडर थे। तो ये सारी बातें तो हो गई व्हाइट रेंजर से रिलेटेड। अब जानते हैं कि हमने किस किस सीरीज में कौन कौन से व्हाइट रेंजर्स को देखा है। और वीडियो में जाने से पहले यार आप कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू दिस अमेजिंग वीडियो। वेलकम टू ए स्क्वाड। मेक श्योर टू सब्सक्राइब। तो सबसे पहले हमारे पास है थॉमस ऑलिवर, जिसको हम जानते हैं टॉमी ऑलिवर के नाम से। तो टॉमी हमें फर्स्ट व्हाइट रेंजर देखने को मिला था माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर सीरीज में। इससे पहले टॉमी हमारा ग्रीन रेंजर था। और इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि टॉमी एज अ व्हाइट रेंजर टीम का लीडर था। इसके बाद हमें टॉमी एज व्हाइट निंजा रेंजर भी देखने को मिला पावर रेंजर माइटी मॉर्फिन के सीजन 3 में। और टॉमी ऑलिवर के बारे में और जानने के लिए आप आई कार्ड पर क्लिक कर सकते हैं, वहां एक डिटेल वीडियो बनाई है टॉमी ऑलिवर के बारे में। इसके बाद हमने देखा डेल्फिन को, जो कि थी व्हाइट एक्विंटियन रेंजर, और इसको हमने देखा माइटी मॉर्फिन एलियन रेंजर्स में। ये हमारी फर्स्ट फीमेल लीडर थी, साथ ही फर्स्ट फीमेल व्हाइट रेंजर थी। और हमने डेल्फिन को देखा फाइनल बैटल में, जहां ये पावर रेंजर्स के साथ लड़ी यूनाइटेड अलायंस ऑफ इविल से। तो इसके बाद हमने देखा एलिसा को, ये थी हमारी व्हाइट टाइगर वाइल्ड फोर्स रेंजर इन पावर रेंजर वाइल्ड फोर्स। अगर बात करें एलिसा की तो एक काइंड हार्टेड और एक पीस मेकर यंग वुमेन थी, जो कि अपनी टीम के साथ एक कमाल का बॉन्ड रखती थी, और इसी के साथ ये अपने दोस्तों की मदद के लिए हर समय तैयार रहती थी। एलिसा को ट्रेन किया था मार्शल आर्ट्स में उसके फादर ने, साथ ही एक जानी मानी मार्शल आर्टिस्ट इंस्ट्रक्टर भी थी। तो नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेंट मर्सर, व्हाइट डायनो रेंजर इन पावर रेंजर डायनो थंडर। बात करें ट्रेंट की तो ट्रेंट एक शाय ग्लूमी यंग मैन था। ये रेंजर्स का बहुत ही अच्छा दोस्त था। अगर ट्रेंट के पास्ट की बात करें तो बहुत ही ट्रेजिक था, जहां उसने अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को खो दिया था। इसके बाद उसको अडॉप्ट करते हैं एंटोन मर्सर और वो इससे बहुत प्यार करते हैं। वहीं ट्रेंट भी एंटोन से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ट्रेंट एक स्किल स्टूडेंट है और बहुत ही क्रिएटिव और आर्टिस्टिक नेचर का है, लेकिन उसके डैड एंटोन इस चीज को पसंद नहीं करते थे। इसी के साथ हमने शो में ये भी नोटिस किया कि ट्रेंट रोमांटिक फीलिंग रखता था कीरा के लिए। अगर बात करें ट्रेंट के व्हाइट रेंजर बनने की तो भाई ये कांटेक्ट में आता है व्हाइट डायनो जेम के, लेकिन इसकी वजह से वो एक ईविल रेंजर बन जाता है। लेकिन इवेंचुअली वो इस ईविल चीज को अपने आप से हटाता है और बनता है हमारा व्हाइट डायनो रेंजर और ज्वाइन कर लेता है पावर रेंजर्स को। तो इसके बाद नेक्स्ट व्हाइट रेंजर हमने देखा पावर रेंजर एसपीडी में। यहां हमने देखा सैम को एज एसपीडी ओमेगा रेंजर। भाई सैम को हमने एसपीडी के शुरुआत में ही देख लिया था, जहां वो एक बच्चा होता है और मोरा के मॉन्स्टर उसको मैनिपुलेट करते थे, लेकिन इसके बावजूद वो बनता है एसपीडी कैडेट। इसके बाद 15 साल फ्यूचर से सैम वापस आता है बी स्क्वाड रेंजर्स की मदद करने, ताकि वो एम्परर ग्रूम को हरा सके। लेकिन टाइम ट्रेवल करने की वजह से सैम की बॉडी में थोड़े चेंजेस आते हैं, जिस वजह से वो हमें एज अ एनर्जी लाइट बॉल देखने को मिलता है। इसी वजह से हमने सैम को मॉर्फिन सीक्वेंस करते हुए भी नहीं देखा। इसी के साथ पावर रेंजर एसपीडी में हमने देखा डॉक्टर कैटमैक्स को, जो कि पावर रेंजर की एक एलाय थी। अगर बात करें डॉक्टर कैटमैक्स की तो भाई ये एक एलियन थी और उसके पास कैट लाइक फीचर्स थे, और यही हमारे पूरे अर्थ के डेल्टा बेस में सारा काम संभालती थी रिसर्च और डिजाइन का। अगर बात करें कैटमैक्स की तो ये बनती है हमारी एसपीडी कैट रेंजर। वैसे तो कैट रेंजर को कभी भी किसी कलर से बुलाया नहीं गया, लेकिन अगर बात करें लिगेसी वॉर और बॉम स्टूडियोज कॉमिक्स की तो वहां इसको एज व्हाइट रेंजर कंसीडर किया गया है। लेकिन हमें कुछ कुछ हिंट ऐसे भी मिलते हैं कि एक ऑरेंज रेंजर है।
तो नेक्स्ट हमारे पास है उड़ाना, द व्हाइट मिस्टिक रेंजर, जिसको हमने देखा था पावर रेंजर मिस्टिक फोर्स में, और ये मेंटर थी हमारे मिस्टिक फोर्स रेंजर की। उड़ाना वाइफ थी मिस्टिक विजार्ड लिनबो की, साथ ही मदर थी रेड मिस्टिक रेंजर निक की। उड़ाना के पास पावर थी स्नो की और वो किसी को भी जमा सकती थी। तो इसके बाद हमारे पास है पावर रेंजर जंगल फ्यूरी, जहां हमने देखा डॉम को, और डॉम बनता है हमारा जंगल फ्यूरी राइनो रेंजर। डॉम की बात करें तो भाई ये पाइशुआ का स्टूडेंट था और एकेडमी में बहुत ही होनहार था। ये बेस्ट फ्रेंड था आरजे के साथ, साथ ही इसका रूममेट था जेरॉड। इसके बाद हमें पता चलता है कि हमारा डॉम पूरी दुनिया को घूमना चाहता है और बहुत क्यूरियस है, इसलिए मास्टर माउस को इस काम के लिए भेज देते हैं। इसके कुछ सालों बाद जब डॉम वापस आता है तब उसे पता चलता है पावर रेंजर्स के बारे में। इसके बाद वो भी एक पावर रेंजर बनना चाहता है और वो बनता है हमारा राइनो रेंजर, और वो यूज करता है हमारे राइनो स्टील जॉर्ड को। यहाँ हमने एक चीज नोटिस करी कि जैसे हमारे जंगल फ्यूरी में हमारे लियो, थियो और हमारे कैसी के अंदर से मेगाजॉर्ड निकलते थे, लेकिन हमारा जो राइनो रेंजर था यानी कि डॉम था, उसका जॉर्ड अलग ही था, वो राइनो स्टील जॉर्ड था। इसके अलावा डॉमिनिक मास्टर भी नहीं बना, उसने चूज किया कि वो पूरी दुनिया घूमेगा। इसके बाद हमें व्हाइट रेंजर देखने को मिला पावर रेंजर सुपर मेगा फोर्स में। वैसे तो हमारा कोई भी रेंजर व्हाइट रेंजर नहीं था इस सीरीज में, लेकिन हमारी जिया, एमा और ओरायन ने व्हाइट रेंजर कीस को यूज किया। तो नेक्स्ट हमारे पास है हेली फ्रॉम पावर रेंजर निंजा स्टील, और ये बनती है हमारी निंजा स्टील व्हाइट रेंजर। अगर हेली की बात करें तो हेली एक एडवेंचरस, स्मार्ट सेंटर्ड, कॉम्पिटेटिव और एक लविंग गर्ल है, जो रिलेशनशिप में होती है केल्विन के साथ, और ये दोनों ही एक आइडियल कपल होते हैं। दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, एक दूसरे की हर बातें मानते हैं। वहीं केल्विन हेली को पिक करने रोज ट्रक पर आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो इनको एक आइडियल कपल बनाती हैं। और अगर कभी इनके बीच में कुछ लड़ाई हो जाए तो ये अपने दोस्तों से एडवाइस मांगते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो ये दोनों रेंजर तब बनते हैं जब ये रीपर रेड से लड़ रहे होते हैं। तब नेक्सस प्रिज्म इनके पास आता है और येलो और व्हाइट पावर स्टार्स इनको देता है, और जिसकी मदद से ये बनते हैं हमारे निंजा स्टील रेंजर्स। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, जहां आज हमने डिस्कस करे सारे के सारे व्हाइट रेंजर। अब मैं अपनी बात करूं तो मेरे फेवरेट व्हाइट रेंजर हैं टॉमी फ्रॉम माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर, ट्रेंट फ्रॉम पावर रेंजर डाइनो थंडर, उडाना फ्रॉम पावर रेंजर मिस्टिक फोर्स, एंड डॉमिनिक फ्रॉम पावर रेंजर जंगल फ्यूरी। आपके फेवरेट व्हाइट रेंजर कौन से हैं मुझे कमेंट कर जरूर बताना। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने व्यूज कमेंट जरूर करना। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।